After 8 months, we are here in this beautiful campus. हमारा हॉस्टल पूरा ब्लू कलर से कलर कर दिया गया है। ये है मेरा एक अरुणाचली दोस्त टाडो, जो हमको हेल्प करने के लिए आया है। हमारा कॉरिडोर जहाँ पर 2 महीने में बहुत सारे किस्से हो चुके हैं, और वही कॉर्नर जिसको मैं बहुत मिस करता था। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो आज हम अनबॉक्सिंग नहीं, द्वार ओपन करने वाले हैं हमारे हॉस्टल रूम का, और वो भी 8 महीने बाद। बहुत बदबू छोड़ेगा अब ये रूम। भाई साहब, ओ भाई साहब, यह है मेरे रूम पार्टनर शाकिब का सामान और यह है मेरा जगह। अगर आपको जानना था कि सैनिटाइजर का बोतल अगर खुला छोड़ जाए तो क्या होता है, देखिए इसके ऊपर क्या क्या लगा हुआ है। और अंदर ये सैनिटाइजर दारू की तरह हो गया है, वो भी सफ़ेद वाला दारू। क्या मार्च उधर है सच्ची में? अब मैं करूँगा अपने बस्ते को अनबॉक्स। टेक्निकल तमाल। हेलो गाइस, तमाल के टेक्निकल गुरुजी पर आपका स्वागत। चलिए शुरू करते हैं। और आज हम करेंगे इसका अनबॉक्सिंग, और देख सकते हैं कि आप यहाँ पर 8 महीने के बाद यहाँ पर छाप फंगस पड़ चुका है, लेकिन हमको तो रात को सोना है इसलिए हमको ये खोलना ही पड़ेगा। तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। बहुत ही कष्ट करके इसको बांधा गया था, अभी धीरे धीरे खोल लेंगे। इस यहाँ पर मेरे और साकिब का दोनों का सामान है। अभी तक तो बदबू नहीं आया है। कैमरा मैन को मैं थोड़ा बोलूंगा कि आप प्लीज थोड़ा नजदीक आए और यहाँ पर हमारे दर्शक को दिखाइए। One eternity later. ये भी इसका सामान है, यहाँ पर रखेंगे। ये भी इसका है, यहाँ पर। ये भी इसका है, यहाँ पर अच्छे से रखेंगे। ये भी इसका है, ये भी यहाँ पर। और ये है हमारा, क्योंकि गंदा हो चुका है। तो अभी मैं रूम को पूरा साफ करूंगा, उसके बाद एक प्यारा सा और छोटा सा रूम टूर होगा। ये ब्लॉग का मेन थीम ही है शिलिशी का बॉयज हॉस्टल का रूम टूर। प्लीज़ थोड़ी देर वेट करें, मैं साफ कर लेता हूँ, उसके बाद मिलेंगे। Ultimately, he is here, Mr. Shakib Ahmed Sharda, my room partner. अब करेंगे proper room tour. 3 घंटे लगाकर room को पूरा साफ करके अब थोड़ा time मिला है कि room को दिखा सकूं किसी को। तो आज होगा room tour। पहले बताया था वो, हम लोग 8 महीने के बाद लगभग 7 महीने के बाद हम लोग हॉस्टल पर आए हैं, और रूम अभी इतना भी साफ नहीं हुआ। आज पहले दिन था, ज़्यादा लोग भी नहीं आए, इसलिए मैंने सोचा कि आज रूम टूर दे दो, साफ सफाई भी थोड़ा हो जाएगा आज तो। और वो भी एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो उसके बाद टाइम भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं रूम टूर।
बेसिकली हमारे रूम पर दो साइड है, एक है लेफ्ट साइड, एक है राइट। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। राइट साइड, तो राइट साइड का पार्ट छोड़ देता हूँ क्योंकि वो मेरे रूम पार्टनर का है, आते हैं लेफ्ट साइड में। और ये वाला बेड मेरा है, ठीक है। तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर आपकी जो ज़रूरतमंद की चीज़ है, जैसे ये गमछा है जो मेरे को नहाने के समय लगता है, इसका साइड कर देता हूँ। तो इसको छोड़कर पहले ऊपर से आते हैं। ये है कप जो जहाँ पर मैं चाय वाय पीता हूँ रात को या फिर सुबह को। ये है ग्लास जो किसी काम का नहीं लगता लेकिन इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर एक थाली, इस थाली पर मैं टिफ़िन करता हूँ सुबह हॉस्टल के मेस का। यहाँ पर मैं खाना खाता हूँ इस थाली से, यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है मेरा। और ये है इलेक्ट्रिकल की चीज़, जब मैं गया था तभी इसको ऐसे पैक करके नाम वाम लिख के थो रख के गया था। लेकिन तो उसके बाद है एक इलेक्ट्रिक केटल और ये है एक चार्ज लाइट। तो चार्ज लाइट का इतना भी ज़रूरत नहीं पड़ता है यहाँ पर। तो नीचे वाले में यहाँ पर दो ताले हैं जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ, उसके बाद समय ताला देकर जाता हूँ। यहाँ पर बैग्स है और ये बैग में अभी तो कपड़े वपड़े है, थोड़े कपड़े है, यहाँ पर भी कपड़े है, नो ब्रांड प्रमोशन। ये फेस वॉश है एक, ये बोरोलिन है ठंडी में काम आता है, ये तेल है बॉडी ऑयल, ये तो क्या बोलूँ ठंडी में नहीं नहाने का औजार है। प्यारी समझ गई। प्याज व्याज काटना हो या फिर फल काटना हो तो इसके लिए ये बहुत यूज़ होता है। उसके बाद आता है ये कैंची, कुछ के काटने बाटने के लिए यूज़ होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये है मेरा थ्री बॉक्स थ्योरी। तो पहले वाले बॉक्स में ये कुछ दवाई है जो मुझको चाहिए होती है, ये पुरानी हो चुकी है, फेंकना पड़ेगा। और यहाँ पर वो सिलने के लिए कुछ है, मतलब अगर इंस्टेंट कोई चीज़ चाहिए तो वो है यहाँ पर। ये आते हैं दूसरे बॉक्स पर, और ये दूसरे वाले बॉक्स थोड़ा मीडियम साइज़ का है। और यहाँ पर मैं रखता हूँ खाना, क्योंकि हमारे यहाँ हॉस्टल पर रात का खाना 6 बजे ही दिया जाता है, तो जब 10 बजे 11 बजे तक बहुत भूख लगती है, तो इसलिए यहाँ पर खाना रखना पड़ता है। अब आता हूँ सबसे बड़े वाले बॉक्स की तरफ, और इस बड़े वाले बॉक्स में मैंने अपना शेविंग किट रखा है जो अभी तक एक बार भी कॉलेज में यूज़ नहीं हुआ। ये यहाँ पर थोड़ा सर्फ एक्सेल है, ये साबुन है, ये डिशवॉश है डिशवॉश, और ये हैंड वॉश है, डेटॉल है थोड़ा सा पहले वाला, और एक कपड़े धोने का औजार, और डेटॉल हैंड वॉश बड़ा पैकेट, और ये कुछ मतलब पोछने वोछने के लिए कुछ चाहिए होता है वो वाले कपड़े। यहाँ पर जूते रखने की जगह, जूते और भी बहुत है, मैंने निकाले नहीं है सब। और यहाँ पर कपड़े भिगो कर दिए हैं कि क्योंकि इतने जो महीने का मैल है वो सब निकालना है ये। और अल्टीमेटली ये है मेरा बेड पर ऊपर एक मतलब जो जिस बस्ते से मैंने बांधा था वो वाला बस्ता है नीचे, और उसके ऊपर रजाई, बेडशीट, तो कंबल, एक साइड पिलो जो कि मुझे चाहिए होता है रात को सोने के लिए, बचपन से अभी भी चाहिए, और पिलो तो हो गई। अभी आते हैं एक स्टूडेंट का इम्पोर्टेंट जगह जो कि होता है टेबल। मैं टेबल पे बिल्कुल भी नहीं पढ़ता क्योंकि पढ़ा है टेबल पर, तो टेबल का इतना आदत नहीं है पढ़ने का, मैं बेड पर ही बैठ कर पढ़ता हूँ। और पहले तो चेयर है, उसके बाद यहाँ नीचे सॉरी हमारे तीन सब्जेक्ट हैं। ये है एनाटॉमी का कॉपी नोट्स है अंदर, ये LPM का नोट्स है अंदर, और ये सब मैनुअल्स है। ये मेरा डायरी है, डायरी को नहीं खोलेंगे, बहुत सारी चीज़ है रास की चीज़। और ये है फिजियोलॉजी का कॉपी, और यहाँ पर मैंने दो फोटो लगाए हैं भगवान के, परीक्षा के समय काम आ जाती है उनको याद करने के लिए। और यहाँ पर बुक्स है, यहाँ पर जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स है मेरे, और ये मेरे पुराने नोट्स वोट्स जितने भी है सब, मैनुअल वेनुअल सब यहाँ पर है। अब ये है एक इम्पोर्टेंट जगह, इस बॉक्स पर सब आ जाते हैं। ये सैनिटाइज़र आ गया, ये मार्कर आ गया, ये वाइटनर आ गया, स्टेपलर के पिंस, कलम, नेल कटर, हाइलाइटनर, वो शार्पनर, इरेजर, सब कुछ। मैं इतना कुछ नहीं है तो मैं नहीं खोलूँगा इसलिए इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि ये मेरा डस्टबिन है बेसिकली। यहाँ पर रूम पे दो लाइट है, एक लाइट बिस्तर के ऊपर और एक लाइट मेरे रूम पार्टनर के बिस्तर के ऊपर। यहाँ पर तीन ऐसे कंटेनर के टाइप मतलब
जोन है जहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं, और एक प्लग पॉइंट है, एक लाइट का ऑप्शन है, एक इस वाला लाइट का ऑप्शन है जो कि इतना काम नहीं करता लेकिन शायद से काम करेगा, मैंने लाइट लगाकर नहीं देखा है। और यहाँ पर इस पर्दे के पीछे भी जानने में क्या रखा है, आप जानते हैं हम कौन है फिर, और वैसे भी 50 रुपये देने में आपकी इतनी फट रही है तो पक्का आपको झंडू ही होंगे। बेसिकली यही मेरा छोटा सा एक रूम है, छोटा सा नहीं बहुत बड़ा रूम है। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ 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 याद करके सब्सक्राइब कर देना। एग्ज़ाम के बाद कैंपस टूर आएगा तो प्लीज़ चैनल में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल बटन तोड़ दीजिए लाल बटन को। अभी तक के लिए थैंक यू। आए बड़ा से पहले माता चीड़ा तुले सिटी गल चूड़ी माला दिए मोबाइल बड़े भांगा दिए बदम मोबाइल बड़े गुलो पासी टे कदम पाये तुड़ा हाथर वाला था के जो दी सिटी गल चैन दिए जाबन ताते सो मान तुमरा बादाम पावन।